नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, सुनील भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो कल दीदी ने जहाँ तक बात रखी थी वहां से हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो मानव यानी अपने आप को समझने जाते हैं तो दो तरह की वास्तविकता दिखाई देती हैं, मैं और शरीर। मेरी आवश्यकता, मेरी क्रिया, मेरा निर्वाह शरीर से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। इस बात को हम लोगों ने कई बार अपने आप में विश्लेषित किया है, इसको जांच कर देखने का प्रयास किया है, इसके आधार पर चित्रित भी किया है अपने जीने को कि अगर ऐसा है तो हमारा जीना कैसा हो। अब इस वास्तविकता को सीधा सीधा देखने का भी काम करेंगे। जैसे इस बात को हमने जांचा तो है कि मेरी आवश्यकता क्षणिक है या निरंतर है, शरीर की आवश्यकता क्षणिक है या निरंतर है, इसको हमने जांचा है। बट ये जिसकी आवश्यकता है वह क्या है, मैं क्या है, शरीर क्या है, ये दो हैं या एक ही है। अब इन सब चीजों को हम सीधा सीधा देखने का प्रयास करेंगे। जहां अभी हमारी स्थिति है, जितना हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उससे आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। वैसे क्रियाओं पे ध्यान देते हैं तो दिखता है कि मेरे अंदर इच्छा, विचार, आशा, इस तरह क्रियाएं हो रही है। शरीर में देखें तो खाना, चलना, रक्त दौड़ना, सांस चलना, हृदय धड़कना, इस तरह क्रियाएं हो रही है। निर्वाह में देखें तो शरीर से पहचाना, निर्वाह करना हो रहा है, मुझमें जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना हो रहा है। जानने के लिए भी हम सारा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चैतन्य, जिसमें ये क्रियाएं हो रही हैं, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, उसे चैतन्य कहा। मैं चैतन्य हूँ, शरीर को जड़ कहा, उसमें से पहचानना, निर्वाह करना हो रहा है। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो तो रख सकते हैं। जब हम सेल्फ से सेल्फ को देखते हैं तो ये पाया गया है कि कुछ कुछ बातें हमको ऐसा लगना लगता है कि कुछ बातों में हमने दिल से काम करना है और कुछ बातों में हमने दिमाग को यूज करना है। 2-3 मिनट मुझे थोड़ा गाइड करेंगे, मुझे ये क्लियर नहीं है, प्लीज। पहले आप ये क्लियर करिए कि दिल किसको कह रहे हैं, दिमाग किसको कह रहे हैं, क्या अर्थ हुआ इसका? जी जी भैया, किसे कह रहे हैं आप? दिल से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है, क्या अर्थ हुआ हाँ, इसका? ये तो बॉडी के पार्ट हो गए ना, मतलब हाँ बॉडी है, दोनों बॉडी है। और हमारी जो चाहना है वो तो सेल्फ में होती है, बराबर जी है? यहां तक मैं सही जी हूँ, इसके आगे मेरा कंफ्यूजन नहीं निकल रहा। प्लीज प्लीज, मुझे जरा ये कॉलेज में भी डिस्कस करना है, प्लीज भैया। हाँ, जी अभी देखिए ना, आम भाषा में हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हाँ दिल, दिमाग और आत्मा या अंतरात्मा, तीन तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जी है ना? भैया, कि दिल चाहता है ना, ऐसा कुछ हो जाए, वैसा हो जाए, या दिमाग से हम सोचते हैं, या क्या तुम्हारी अंतरात्मा को स्वीकार है, ऐसी भाषा हम लोग आमतौर पर बोलते हैं। तो दिल का मतलब है भाव, जो अर्थ देना चाह रहे हैं, है ना? हाँ, भाव से हमारा हृदय प्रभावित होता है, इसलिए दिल शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे ही विचार, जब ये दिमाग जब कह रहे हैं उसका अर्थ है विचार, तो हम ज्यादा विचार करते हैं तो इसे दिमाग प्रभावित होता है, विश्लेषण करते हैं, है ना? हाँ। और जब हम कह रहे हैं तुम्हारी अंतरात्मा को स्वीकार है कि नहीं, वो सहज स्वीकृति है, अच्छा, सर, नेचुरल एक्सेप्टेंस। हाँ नेचुरल एक्सेप्टेंस। जी जी तो आमतौर पर भैया, ऐसी भाषा हम बोलते हैं, आशा ये रहता है। हाँ तो आप भाव के आधार पर जी रहे हैं या विचार के आधार पर जी रहे हैं या आप अपने सहस के आधार पर जी रहे हैं? हाँ तो आदमी तो जनरली अपने क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे ही जीता है, सहज स्वीकृति पे ही जीता है। ना जीता है, अगर जी रहा होता तो इतनी समस्या कहाँ से होती? हाँ, अभी तो भाव के आधार पे भी नहीं जीते हैं, है ना? जहां संबंध की स्वीकृति हो जाती है वहां तो हम भाव प्रधान ढंग से जीते हैं। जैसे माँ और बच्चे का संबंध देखिए तो माँ भाव प्रधान से ढंग से जीती है ना? तो जी भाई, बच्चे के प्रति तो भाव है, हो सकता है बच्चे की पत्नी के प्रति भाव ना हो, उस हाँ तरह का, है ना? तो वहां फिर हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं, यानी विचार करना शुरू करते हैं। या परिवार के अन्य सदस्य होते हैं तो उनके प्रति हम दूसरे ढंग से सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ तो जहां संबंध की स्वीकृति हो जाती है, स्नेह का भाव बन जाता है, पूरी तरह से नहीं कहेंगे, है ना, समझ के आधार पर नहीं, परंतु जिसको भी अभी स्नेह माने हुए उस अर्थ में कम से कम जीने का प्रयास शुरू कर देते हैं, हाँ तो हाँ वहां पे तो भाव की प्रधानता हो जाती है। बाकी जगह हम विचारों से चलते हैं, बिजनेस करना है तो विचार से करते हैं, है ना? सगे संबंधियों से निर्वाह करना है, विचार से करते हैं कि नहीं, कहीं अच्छा, पैसे सगे कहीं लेन देन संबंधियों करते से, एक मिनट भैया डिस्टर्ब करना चाहूंगा,
सगे संबंधी, मतलब हमारे जो भी संबंधी है वहां हम दिमाग से काम करना चाहिए कि दिल से काम करना चाहिए, भावना भावना से करना है? समझ से, समझ से। अच्छा, समझ से, समझ से ही काम करनी जरूरत है। भाव भी है ना, हमारे जो मान्यताएं बन गई हैं गहरी गहरी, जो हमारे संस्कार बन गए, उनसे प्रभावित हो सकता है। तो जो अभ्यास एक में बात कर रहे थे कि हम भाव को देख भी पाते हैं, फिर भी दिखता है कि भाव तो संस्कारों के आधार पर बन रहे हैं हमारे, जो गलत भी हो सकते हैं। तो फिर ये ध्यान में आता है कि समझना है, क्या समझना है, संबंध को समझना है, व्यवस्था को समझना है, अस्तित्व को समझना है। मतलब इतना हम बोल सकते हैं कि जब भी हमको व्यवहार स्वरूप कुछ कार्य करना है तो उस वक्त हम दिमाग का यूज करेंगे, व्यवहार जहां आ जाता है। रुकिए, अब आप भी ऐसा करेंगे तो कैसे काम होगा? अभी नहीं, वही तो इसलिए तो मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, मेरा वो कंफ्यूजन नहीं निकल रहा है, प्लीज। नहीं, अभी वो नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि ये भाषा हम आम तौर पर समाज में बोलते हैं। अब आप जब अध्ययन कर रहे हैं तो आप सही भाषा का प्रयोग करिए, समझ, भाव, विचार, इनका प्रयोग करिए। हम क्यों दिलो दिमाग करें? मानव शरीर तो है नहीं, मानव तो मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, भाव और विचार तो मैं नहीं है। दूसरों के कंफ्यूजन से हम क्यों कंफ्यूज हो जाएं? बढ़िया बढ़िया, दिल कर रहा है ना, दिमाग कर रहा है वो काम जिसको अभी कह रहे हैं, है ना। दिल और दिमाग तो बहुत ही रासायनिक क्रियाएं कर रहे हैं, उतना ठीक है, ठीक है। तो ये निर्णय तो आप ले रहे हैं, इसको तो हम लोगों ने बहुत विधिवत अभ्यास एक में देखा कि आपके भाव का निर्णय आप लेते हैं, विचार आप करते हैं, चयन आप करते हैं, है ना। तो उसको ऐसा ही देखें, तो हम क्यों दिल दिमाग या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें? अच्छा, मतलब वो शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है, जो कुछ भी किया वो सेल्फ में किया ये मानना है जी, क्या होता जी। ही है मानना नहीं है अभी, थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा और गंभीर होना पड़ेगा। वही वही, मतलब नहीं नहीं, जो भी बीच बीच बोलेंगे ना तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, फिर वो पुराने अभ्यास आ जाते हैं। अच्छा, आप जो बात कही जाए उसको पहले ध्यान से सुनिए, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए, पूरा अभ्यास एक हम लोगों ने पूरा कर लिया, कहीं दिल और दिमाग का हमने प्रयोग नहीं किया, किसी असाइनमेंट में दिल और दिमाग को लिखा नहीं, बट आप अभी उसी के द्वारा विचार कर रहे हैं। हाँ, तो वो अभी कंफ्यूजन आया हो कल से, इसलिए मैंने कहीं सुना, इसलिए आया क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया ना अभी तक प्रस्ताव पे। लेकिन अच्छा, पूरे प्रस्ताव में कहीं दिल और दिमाग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और लेकिन ये बॉडी है, ये तो पक्का ध्यान में आ गया, बराबर। अभी नहीं आया है, अभी रुक जाइए। बॉडी है, बट आप बॉडी है कि बॉडी से अलग है, आपको ध्यान में नहीं आया है जी, इतनी बार बात हो गई है। हाँ, उसको अपने को थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा जी 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 जी, और अभ्यास करता हूँ फिर पूछता जी जी। भैया नमस्ते। अभ्यास नहीं, पहले तो देखिए जो सुनने वाला काम है ना, इसको हम ठीक से करें, और फिर हम जो इसके आधार पर चित्रित करना है, तो हम अपने विचारों में भी उसको फैलाएंगे, तो इन्हीं शब्दों के साथ फैलाएंगे ना, इसलिए वो शब्दानुशासन बहुत जरूरी है। अगर हम अपने विचार में भी उसको बना के रखें, शब्दानुशासन को, वही सारे शब्दों को आधार पर विचार करें जो प्रस्तावना में आ रहे हैं, तब हमारी अभिव्यक्ति भी संतुलित होगी, नहीं तो हम स्लिप करेंगे फिर। भैया, हम जो आशा, विचार और भाव या इच्छा की जो बात कर रहे हैं, तो ये हमने जो क्रियाएं समझी हैं वहां पर इस तरह से इनको कनेक्ट किया, आशा फिर उसके ऊपर विचार और विचार से भाव, या भाव से विचार और विचार से आशा। तो अब हम यहाँ पर जो संस्कार की बात कर रहे हैं, तो संस्कार यहाँ किन क्रियाओं के, मतलब कहाँ हम रख सकते हैं? ये चिंतन में है, या चिंतन और बोध के बीच में है, या बोध में है? क्योंकि जो संस्कार है वो ठीक भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं। तो संस्कार तो, अगर संस्कार ठीक भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, तो इसको चिंतन में रखेंगे क्या? तो फिर ये कहाँ होगी? क्योंकि भैया ये कहीं कहीं हमारे भाव को हो गई, इस पे आपके प्रश्न के उत्तर में भी बात हुई और भी बातें हुई। इसको सीधे अभी रैशनल लेवल पे देखते हैं कि अगर वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो चिंतन हो सकता है क्या? हाँ, चिंतन तो नहीं हो सकता, चिंतन में तो फिर अभी के करके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं, है ना। तो बोध हो सकता है क्या? नहीं, बोध पे तो जाएगा नहीं भैया, जाएगा ही नहीं। अनुभव हो सकता है क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल ही संभव नहीं। तो फिर कहाँ होगा, आप बताइए। तो चित्रण का पार्टी, भाव के आधार में संस्कार है तो कहाँ होगा? तो भैया या तो चित्रण या फिर बाहरी प्रभाव में हो सकता है। मैं कहाँ होगा? मैं भैया चित्रण में, चित्रण में होगा, है ना। तो संस्कार को यदि हम भाव के आधार के रूप में पहचाने, इस रूप में शब्द का प्रयोग करें, तो चित्रण में होगा। बट यदि हम पूरे इच्छा विचार आशा को लेकर चलें, तो फिर पूरी कल्पनाशीलता में है।
अच्छा, तो तो यहाँ पे फिर जो मान्यता है या संस्कार है उसके आधार पर भाव बनेंगे, फिर भाव के आधार पर विचार बने, तो कहीं कहीं वो भाव को ही डायरेक्टली, तो भाव को ही प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर चित्रण में हो पूरा कल्पनाशीलता में होगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। और फिर जो मान्यताएं हैं वो सारी गलत भी नहीं है, जो मान्यता है भैया वो सारी गलत भी नहीं है। स्टेप फाइव पे जब चर्चा हो रही, तो आपने सुना था चर्चा को, अभ्यास एक स्टेप फाइव पे चर्चा हुई थी। हाँ भैया, मान्यता या समझ के आधार पर होगा जी, हमें देखना है कि जो हम तो हमने समझ लिया है तो चिंतन बोध अनुभव में होगा, नहीं समझा है तो कल्पनाशीलता में होगा। और यदि संस्कार शब्द को हम इस रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि भाव का आधार है ना, उस संस्कार के आधार पर भाव तैयार हो रहे हैं, तो चित्रण में है जी। जी हाँ, चित्रण में तो है भैया, लेकिन कुछ जो आप जो बात कर रहे हैं, हम जो संस्कार की बात कर रहे हैं, शिक्षा संस्कार की, वो तो कहीं कहीं चिंतन से ही तो आएगा भैया, जो सही संस्कार है। समझ हो गया ना, फिर वो समझ हो गया, तो अगर हमने समझ लिया तो समझ के आधार पर भी संस्कार तो बनेंगे ही ना, वो फिर हमारा चित्रण में बनेगा। यदि हमने विश्वास के भाव का चिंतन कर लिया, दिख गया हमको, तो अब जो मेरा संस्कार बनेगा चित्रण में, वो विश्वास के भाव के चिंतन के आधार पर बनेगा। तो फिर भैया तो दोनों हो गया ना, अगर सही संस्कार है समझ के आधार पर, जानने के आधार पर, तो वो चिंतन में होगा, और जो नहीं है फिर वो चित्रण का ही पार्ट होगा भाई। अगर सही विचार होगा तो क्या वो चिंतन में चला जाएगा? नहीं, सही भाव नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, सही विचार क्यों नहीं। एक तो सही होना या नहीं सही होना ये अलग मुद्दा है, तो संस्कार हमारा चित्रण में है ना, और वो सही के आधार पर भी हो सकता है, गलत के आधार पर भी हो सकता है। जी जी, इतनी बात है। ठीक है भैया, ठीक है ना। हाँ, अब संस्कार को किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, यदि हम भाव के आधार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो चित्रण में है। अब वो चिंतन के आधार पर वो संस्कार ठीक हो गया, उतना भर है, पहले चिंतन के अभाव में संस्कार ठीक नहीं था। और यदि हम पूरी इच्छा विचार आशा को मिलकर संस्कार कह रहे हैं, पूरी कल्पनाशीलता में, बट यहाँ पे जिस रूप में संस्कार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बारीकी से ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि बात फैले नहीं, है ना। आमतौर पर इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में जब कह रहे हैं तो पूरे को मिला के कह रहे हैं, बट यहाँ पे संस्कार शब्द को जो प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस भाव का निर्णय किस आधार पर हुआ, समझ या मान्यता, तो जो मान्यता को देखने का काम कर रहे हैं वो तो चित्रण में कर रहे हैं, है ना, उसी अर्थ में संस्कार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है जी भैया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर, मेरा प्रश्न है कि सोने वक्त क्या शरीर को छोड़ देता मैं, सेल्फ छोड़ देता? आप बताइए, आप सोई थी तो आपने छोड़ दिया था शरीर को? सर, पर कई लोग अभ्यास से छोड़ देते हैं। कई लोग पे नहीं जाते हैं, अभी अपने बारे में बात करते हैं। क्या है, हम ऑब्जर्वेशन वाले को छोड़कर ना विचार में फैल जाते हैं। आप जब सोई रात को तो आपने शरीर छोड़ दिया था? सर, कई बार ऐसा लगता है कि हम शरीर में वापस आ गए हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर हैं। फिर वो हम विचार में करते हैं कि हाँ, अब अरे हम यहाँ पर हैं, तो उस टाइम क्या हम शरीर छोड़ देते हैं? वो भी आप अपने आप में ऑब्जर्व करिए। रात को सोते समय ही आप करवट बदल रहे हैं, बदलते हैं ना, गर्मी लग रही है, लाइट चली गई, एसी बंद हो गया या पंखा बंद हो गया, करवट कैसे बदल लिया आपने? अगर शरीर छोड़ा हुआ तो पता कैसे चला कि पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है? जी, कई बार मेरे को ऐसे फील होता है कि मैंने शरीर छोड़ा और मैं फिर दोबारा शरीर में आई। पता कैसे चला कि दोबारा शरीर में आना है, क्यों आ गई? क्योंकि ऐसे लगा वो मेरा है। लगा कैसे, जब आप थे ही नहीं शरीर के साथ, तो लगा कैसे? तो जब मैंने आँख खुली तो अपने वो इंस्ट्रूमेंट को खुलने की बात कर रही, तो सोने की बात कर रहे हैं कि रात को लाइट ऑफ हो गया, पंखा ऑफ हो गया, ठीक है, आपको कैसे पता चला कि शरीर को गर्मी लग रही है, जब आप शरीर के साथ थे ही नहीं? सही, पर कई बार ऐसा क्यों फील होता है कि हम शरीर में थे नहीं, और हम फिर जब ऐसे अचानक से ऐसे होता है तो लगता है हाँ, अब हमने दोबारा शरीर में आ गए। देखिए, अभी तो कुछ भी लग सकता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं, बैठे बैठे लग जाता है, सोते सोते लग जाता है, सपने में इतनी सारी चीजें देखते रहते हैं, है ना, हम 100 साल पहले पहुंच जाते हैं, 100 साल आगे पहुंच जाते हैं सपने में, फिर लगने तो वाले मामले में। जी, वो हमारा कल्पना है।
और क्या होगा आप बताइए। अब तो रिवर्स प्रोसेस करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो अपने आप में ऑब्जर्व करने वाला है ना, वो थोड़ा सा अभी और बारीक होने की जरूरत है। तो कल्पना नहीं होगा तो क्या होगा, आप सोच के बताइए। तो हम कल्पना में ही रहते हैं हर वक्त, बैठे बैठे भी जब हम ऐसे कल्पना में ही, हमारी समझ काम ही नहीं करती, हम कल्पना में ही चित्रण करते रहते हैं। ये तो बहुत ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल मूर्खता है ये हम लोगों की जी। अब आप खुद ही कह रही है, मैं इसमें क्या कहूँ सर। वो थोड़ा सा और आगे जाने पर पता चल रहा है ये चीजें, तो वो अपने आप ही वो समझ आ रहा है, तो क्या करे। अभी दो चीजों का ध्यान रख ले, एक तो जो प्रस्ताव कहा जा रहा है उसको हम ठीक से सुने, दूसरी बात उसको अपने घर पे जांचें। अभी क्या होता है कि हम फिर बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करके ना उसको फैला लेते हैं विचार में। अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो बहुत सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती है। जैसे यही कि मैं शरीर छोड़ देता हूँ क्या सोते समय, तो ये बताइए अगर गर्मी लगी तो पता कैसे चला मुझे। तो हम थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा भी अपने आप में तर्क का प्रयोग करेंगे, तो होता है कि नहीं मैं शरीर के साथ था तभी तो मुझे पता चला, अदरवाइज पता ही नहीं चलता। मच्छर काटा, हमने कैसे हाथ उठा के मारा, या कम से कम हाथ हिलाया भी मच्छर काट रहा है तो ठीक, या उसे नींद हमारी खराब हुई और हमको पता लगा, कैसे पता लगा। तो अल्टीमेटली हम वहां शरीर के साथ थे तभी तो पता लगा, ये तो थोड़ा सा विचार करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो सर हम दो स्थितियों में रहते हैं, एक तो सोने वक्त और एक जागने वक्त, पर रहते हम कल्पना में ही हैं। हाँ तो देखिए वो तो बात हो ही रही ना कि आप अभी ब्लॉक B2 में काम कर रही हैं, ब्लॉक B1 पे एक्टिव होना है अपने को, ब्लॉक B2 में कल्पनाशीलता चल रही है जी। सर बिना आपके प्रैक्टिस से तो मेरे को ऐसा लगता है हम छोड़ नहीं पाएंगे कल्पना। नहीं कल्पना छोड़ना भी नहीं है, कल्पना को निश्चित करना है, व्यवस्थित करना है, उसके लिए तो अच्छा, सारा काम कर रहे हैं कि ब्लॉक B1 हमारा एक्टिव हो जाए तो कल्पनाशीलता निश्चित हो जाएगी जी। और उसके बाद, उसके बाद आप सुखपूर्वक जिएंगे और क्या जो चाहते हैं आप फिर उसे हार्मनी और हैप्पीनेस में हम एंटर हो जाएंगे जी। जी बढ़िया दीदी, ठीक है, थैंक यू सर। एक चीज जो प्रस्ताव के रूप में बताया जा रहा है वो भी समझ में नहीं आया, ये भैया क्रिया में जो जड़ में क्रिया हो रही है जैसे बोल रहे हैं वो निरंतर हो रही है, ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जैसे देखते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल में तो निरंतर क्रिया हो रही है, तो इसको और शरीर में जो क्रिया हो रही है तो इसको कैसे अलग किया गया है, तो क्रिया तो उधर निरंतर हो रही है ये भी देखने में आता है, और इच्छा विचार आशा जो अपने अंदर कल्पनाशीलता चल रही है तो एकदम पता ही चल, जब देखते हैं तो क्रिया इसमें निरंतर करते ही रहते हैं मन में हो रही है, लेकिन ये शरीर और यानी कि जड़ में जो निरंतर क्रिया हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है भैया, एक बार दोबारा स्पष्ट जी। उस स्तर पे देखेंगे तो आप पाएंगे जैसे पदार्थ अवस्था की हर इकाई है, हर परमाणु उसका अस्तित्व बना हुआ है ठीक, और हर इकाई ही क्रिया है और हर क्रिया का अस्तित्व बना हुआ है जी जी। नहीं उस रूप में देखेंगे तो सारी इकाइयां निरंतर बनी हुई हैं, तो उस रूप में देखेंगे तो मैं भी निरंतर बना हुआ हूँ, शरीर का एक एक परमाणु अगर आप देखें तो निरंतर बना हुआ है, इतना ही कि शरीर के रूप में नहीं बना हुआ है। तो शरीर के रूप में नहीं बना जी, इसको समझ लेते हैं। तो अब शरीर में देखिए तो हमारे शरीर में बहुत सारे धातु अधातु हैं, है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन है, लोहे का धातु है, सिलिकॉन है, सब इस हमारे शरीर में है किसी ना किसी रूप में ठीक। जितने भी हम धातुओं के बारे में पढ़ते हैं उनमें से कई सारे होंगे अधातु हैं, वो भी कई सारे होंगे हमारे शरीर में किसी ना किसी रूप में, वो पेड़ पौधे में भी ठीक है। तो अगर उन परमाणुओं के अस्तित्व को देखें तो बना हुआ है, जब तक हमने भोजन नहीं लिया था वो पेड़ पौधे का भाग था, भोजन ले लिया वो हमारे शरीर में गया, पेट में गया ठीक, उसमें से कुछ वर्ज्य पदार्थ बन के मल में निकल गया, बाकी शरीर में रह गया। जो शरीर में रह गया वो वही परमाणु जो पेड़ पौधे में था, पेड़ पौधे से पहले मिट्टी में था, है ना, और 6 महीने बाद वो परमाणु वापस मिट्टी में चला गया मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा वर्ज्य पदार्थ के रूप में। तो उस परमाणु का अस्तित्व बना हुआ है बट अब वो शरीर का भाग नहीं है, इस रूप में निरंतरता नहीं है कि शरीर का भाग नहीं है।
जी परमाणु का अस्तित्व निरंतर है, मैं के साथ क्या है, मैं में ये क्रिया नहीं हो रही है कि बाहर से कुछ आया भीतर गया, छह महीने बना हुआ है बाहर निकल गया, ऐसा कोई है ना रचना विरचना मैं में नहीं हो रहा है, जो शरीर में हो रहा है। तो जो कह रहे हैं शरीर की आवश्यकता सामयिक है, क्रियाएं सामयिक है, इसलिए कह रहे हैं कि रचना विरचना हो रही है शरीर में, उस रचना विरचना से वो जो परमाणु है अभी शरीर का भाग है, कल को नहीं रहेगा, कल को शरीर का भाग नहीं था आज बन गया है, तो रचना विरचना हो रही है। उसी को ग्रॉस लेवल पे देखें तो दिखता है कि भाई सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, इसमें जो क्रियाएं हो रही हैं संकुचन प्रसारण के रूप में, जिससे रचना विरचना हो रही है ना, जिससे पुष्टि भी हो रही है, तो ये सब देखें तो सामयिकता है इनमें। और अगर मूल रूप में देखेंगे उस परमाणु को भी देखेंगे, जो परमाणु अभी कुछ समय पहले शरीर का भाग नहीं था, अब शरीर का भाग बन गया, कुछ समय बाद शरीर का भाग नहीं रहेगा, उस परमाणु में देखें उसे गठन में परिवर्तन हो रहा है, उसके जो परमाणु अंश है टूट रहे हैं जुड़ रहे हैं, है ना, तो उस परमाणु का अस्तित्व तो बना हुआ है बट गठन की निरंतरता नहीं है, गठन टूट रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है ना, यानी कि जो परमाणु का जो गठन है जिस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन है, जो रचना है वो टूट रही है बन रही है, वो काम मैं में नहीं हो रहा। जी भैया, तो ये बात स्पष्ट हो गई। जी भैया, परमाणु के स्तर पे देखें तो गठन की निरंतरता नहीं है, परंतु अस्तित्व की निरंतरता है, बना हुआ है। ठीक जी जी। और वो परमाणु हमारे शरीर का भाग सामयिक रूप से है, निरंतर नहीं है, परंतु ये सब बातें मैं में लागू नहीं होती। तो ऐसा भैया बोल सकते हैं जब तक शरीर में है तो उस जड़ परमाणु में भी निरंतर क्रिया हो रही है, और जब शरीर के बाहर चला गया तो उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा? देखिए, हर परमाणु में निरंतर क्रिया हो रही है, शरीर का भाग हो या ना हो, जब तक शरीर में तब क्यों, शरीर का भाग नहीं है तो भी, मिट्टी में है तो भी निरंतर क्रिया हो रही है। जी जी। तो निरंतर शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं है ना, इस रूप में करें, उसे गठन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो मैं के गठन में परिवर्तन नहीं हो रहा, बाकी इकाइयों के गठन में परिवर्तन हो रहा है, इस रूप में मैं निरंतर है। जी। बट अस्तित्व तो हर इकाई की बनी हुई है। जब हम लोग बात कर रहे थे इनेटनेस की, तो हमने बात किया ना कि जो पदार्थावस्था है उसका इनेटनेस ही अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो बना ही रहेगा। जी भैया जी जी भैया, अब स्पष्ट हुआ, धन्यवाद भैया। तो तीनों जगह देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे, एक्टिविटी के लेवल पे, और बॉडी में पार्टिसिपेशन के लेवल पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे कंटिन्यूअस नहीं है, गठन के लेवल पे, ठीक, एक्टिविटी के लेवल पे कंटिन्यूअस है, शरीर में भागीदारी के रूप में देखें, रचना भी रचना के रूप में कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा है। भैया मुझे ये दो शब्दों में कंफ्यूजन हो रहा है, एक प्री कंडीशनिंग और दूसरा संस्कार, तो ये संस्कार और प्री कंडीशनिंग में क्या फर्क या सिमिलैरिटी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी, अभी तो दोनों को इक्वेट करके चल रहे हैं, प्री कंडीशनिंग को हिंदी में मान्यता कह रहे हैं, है ना, हाँ, उसी को अभी संस्कार भी कह रहे हैं, तो अभी तो दोनों को इक्वेट करके चल रहे हैं। अच्छा, जब साइकोलॉजी में हम कंडीशनिंग की बात करते हैं तो कंडीशनिंग को एक अभ्यास के रूप में होता है कि जैसे कोई चीज हम बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग का एक प्री कंडीशनिंग हो जाता है। तो अब दिमाग ना बोले, अब थोड़ा सा भाषा को वहां पे सटीक कर लेते हैं, मैं में कंडीशनिंग हो जाती है। ओके ओके। तो कंडीशनिंग, तो जो हम दो बातें देखते हैं कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी, तो ये जो व्हाट आई एम है क्या उसी को हम संस्कार कह रहे हैं? वही व्हाट आई एम को अगर देखेंगे, हाँ, तो उसमें आपका ब्लॉक B1 में जो जागृति हुआ है, एक्टिवेशन अवेकनिंग हुआ है, वो भी शामिल है। ब्लॉक B2 में जो आप कुछ कर रहे हैं वो भी शामिल है। अच्छा, तो मैं का जो अभी प्रेजेंट स्टेट है, जो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है मैं का, ओके, उसको व्हाट आई एम कहेंगे। अच्छा, तो उसमें हमारा कल्पनाशीलता भी शामिल है, और अगर सेल्फ में अवेकनिंग हुई है चिंतन बोध अनुभव के स्तर पर, तो वो भी व्हाट आई एम का पार्ट है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। तो इसलिए मैंने कहा कि संस्कार शब्द को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो अभी उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने के लिए, जब हम कह रहे हैं कि भाव के आधार को देखिए, उसको संस्कार जब कह रहे हैं तब तो उसको इमेजिंग में, चित्रण में प्लेस कर रहे हैं। अगर व्हाट आई एम कहेंगे तो इसमें पूरा जुड़ गया। अच्छा, उसमें सेल्फ भी आ गया।
सेल्फ तो है ही, सेल्फ में ही तो संस्कार है, तो उसमें आपके ब्लॉक B1 ब्लॉक B2 सब जुड़ जाएगा, व्हाट आई एम। तो ब्लॉक B1 में जितनी अवेकनिंग हुई है वो भी है, ब्लॉक B2 में जो क्रियाएं चल रही हैं वो भी सब जुड़ गया उसमें, सही गलत सब जुड़ गया, है ना। अगर उसको संस्कार कह रहे हैं, अगर सिर्फ कल्पनाशीलता को संस्कार कह रहे हैं तो उसमें जो नीचे की 5 क्रियाएं हैं वही जुड़ेंगी। तो ये संस्कार शब्द को आप किस रूप में देख रहे हैं, इसलिए हम लोग हर बार जो फोकस में रखते हैं उन क्रियाओं को रखते हैं, ये सेल्फ की एक्टिविटीज है, है ना। इसको ऑब्जर्व करिए, इसके बीइंग को ऑब्जर्व करिए। अब शब्द को कहाँ कैसे प्लेस करना है, देखिए मुद्दा वो भी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग शब्दों में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। हमें तो देखना है कि मेरे भाव का निर्णय जो हुआ है ना, उसकी मैं निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं। भाव के निर्णय का आधार क्या था उसको देखना चाहिए। जो ये जो भाव है, क्या भाव ही फीलिंग है या भाव और फीलिंग में कुछ और फर्क है? भाव को ही तो इंग्लिश में फीलिंग कह रहे हैं। अच्छा ओके, ठीक है भैया। यस यस ओके, धन्यवाद। कुछ प्रश्न है चैट बॉक्स में, जरा मैं उसको एक बार रिस्पॉन्ड करता हूँ। व्हाट अबाउट इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी ऑफ द सेल्फ? देखिए सेल्फ में कोई म्यूटेशन तो है नहीं। हाँ, अगर आप संस्कारों में जो परिवर्तन हो रहा है उसको म्यूटेशन कहें, ठीक, तो हो सकता है। जैसे अगर हम प्राणावस्था की इकाइयों में देखें तो म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन ये होता है कि उसमें रचना में कुछ ना कुछ परिवर्तन समय के साथ होता रहता है, चाहे वातावरण के दबाव में हो या उसकी आंतरिक क्रियाओं के साथ हो, है ना। तो म्यूटेशन होता रहता है। अगर इसको कह रहे हैं तो सेल्फ में तो हम ऐसा करते रहते, विचारों से हमने बैठे बैठे कोई निष्कर्ष निकाल लिया, ठीक, हमने कोई न्यूज सुना उसे विचार किए और किसी गलत निष्कर्ष से पहुंच गए, ठीक। अब हमको लगने लगा कि सभी जो दुनिया के जितने लोग हैं सब बदमाश लोग हैं, सबको पकड़ करके मारपीट करना इनके साथ, तो हमारा एक हमारे विचारों में परिवर्तन आ गया बैठे बैठे, या किसी ने कुछ बात कही और उस समय हमारे अंदर परिवर्तन हो गया। तो हम सेल्फ के लिए तो म्यूटेशन शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। बट यदि वैसे आप लेके चलें तो यही होगा। म्यूटेशन जो है प्राणावस्था की इकाइयों में हो रहा है, आपके शरीर में हो रहा है। सेल्फ अक्वायर्स अ बॉडी एंड कोएग्जिस्ट विद इट। व्हेन द बॉडी डाइज द सेल्फ लीव्स इट एंड मे सर्च फॉर अनदर बॉडी। इन अ सिमिलर वे सेल्फ डज नॉट डाई। हाँ देखिए, अभी इसमें जो मुख्य बात है सुभाष जी, वो सेल्फ की कॉन्टिन्यूटी को ऑब्जर्व करने का है। सेल्फ की कंटिन्यूटी अगर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं तो ये बातें हम स्वयं से निष्कर्ष निकाल पाते हैं। कुछ और प्रश्न, जब सोते हैं तो सेल्फ अलर्ट नहीं होता? हाँ, अलर्टनेस लेवल थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो मैं के साथ, मैं और शरीर के बीच में जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है ना, वो धीमा पड़ जाता है, तो हम शरीर को आराम देने देते हैं, ठीक है भाई। जैसे अलर्टनेस देखिए, हम जागते हुए भी कम ज्यादा होते रहते हैं, जैसे काम कर रहे हैं है ना, बहुत अलर्ट हैं, काम के बाद रेस्ट कर रहे हैं कम अलर्ट हो जाते हैं। अलर्टनेस तो हमारे निर्णय से होता है। इन सब मुद्दों पर उन्होंने बात किया है इस बैच में, भले नहीं किया हो। डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड कोमा, देखिए कोमा को कहते हैं ब्रेन स्लीप, है ना, कि उसमें क्या होता है कि शरीर की भौतिक रासायनिक क्रियाएं तो काम कर रही हैं, बट ब्रेन की ऐसी स्थिति नहीं है कि आप इंस्ट्रक्शंस को ले सके। तो सेल्फ बना हुआ है, बॉडी बनी हुई है ना, शरीर के साथ सेल्फ बना हुआ है, कोएग्जिस्टेंस बना हुआ है, जो सूचना का दान प्रदान है वो विधिवत नहीं हो पा रहा। तो जो ब्रेन की स्थिति हो गई वो ऐसी हो गई कि सेल्फ के इंस्ट्रक्शंस को नहीं ले सकता और ना ठीक से सूचना को पहुंचा सकता है। फॉर एन एवरेज पर्सन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी पॉसिबल? इसमें परसेंटेज की बात कहाँ से हो गई? तो सेल्फ और बॉडी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों का मिक्सचर थोड़ी तो बन रहा है, सेल्फ एंड बॉडी का परसेंटेज निकालेंगे। इट्स नॉट अ मिक्सचर, इट्स कोएग्जिस्टेंस। कुछ और अगर प्रश्न हो तो आप पूछ लें, तब तक मैं थोड़ी बात आगे लेके चलता हूँ। बट अच्छी बात है कि ये सारे प्रश्न आ रहे हैं और हम इनको, बट इसमें जो करने काम है वो दो है। एक तो प्रस्ताव को हम ठीक से सुने और दूसरी बात उसको स्वयं में जांच के देखें। नहीं, मेरा एक प्रश्न था, जैसे हम लोग अगर सेल्फ में इवॉल्व देखते हैं तो हम लोग चित्रण क्रिया से चिंतन क्रिया की ओर जाते हैं। जी, मेरा ये डाउट था कि एक बार अगर चिंतन क्रिया एस्टैब्लिश हो गई तो क्या वापस से हम लोग कभी कभी ऐसे चित्रण क्रिया की तरफ लुढ़क सकते हैं? चित्रण क्रिया एक बार हमें सही भाव दिख गया है ना, तो फिर हम क्यों लौटेंगे? कोई अन्यथा भाव में तो दुख है, हम चाहते भी नहीं है, सहज स्वीकृति भी नहीं है उसके लिए। अभी तो अज्ञान में ऐसा कर रहे थे क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं मिल रहा था हमको है ना, वो भाव स्पष्ट नहीं हो रहा था।
इसका मतलब है चले जाते थे जी। जो उठापटक होती है वो चित्रण क्रिया में ही होती है, चिंतन क्रिया में फिर एक बार पहुंच गए तो फिर वहां से वापस नहीं लौटा जाता। हाँ बिल्कुल, तो ब्लॉक B1 में जो काम हो रहा है वंस फॉरएवर है, एक बार वो काम हो गया वो हमारे में बना रहेगा, उसमें रिवर्सल नहीं है, लौट के हम पुरानी स्थिति में आ जाए ऐसा नहीं होगा। बट यदि विचार कर रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि आज हमने कुछ सुना हमें बात ठीक लगी, कल को कहीं हमने कुछ और सुन लिया तो कुछ और बात ठीक लगने लगी, तो हो सकता है कि हम प्रोसेस में रिवर्स हो जाए। वो तो भैया फिर कल्पनाशीलता में आ गया ना, अगर विचार कर रहे हैं तो जी। ठीक है भैया जी। स्किज़ोफ्रेनिया के लोग अपनी अलग ही प्रीकंडीशनिंग में रहते हैं भाई। तो देखिए स्किज़ोफ्रेनिया हो या ना हो, हम सभी समझ के वहां प्रीकंडीशनिंग में तो रहते ही हैं। क्या UHV के प्रपोजल को समझने लायक उनकी कॉम्पिटेंस होती है? वो भी डिपेंड करता है कि वो मान्यता या जो स्थिति बन गई वो किस प्रकार के कॉम्पिटेंस लेवल अभी क्या है। अगर उनसे संवाद हो सकता है तो समझ सकते हैं, अगर संवाद हो सकता है तो उसे समझ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तो वही है ना। अधिक से अधिक हो सकता है कि मैं में कोई कंडीशनिंग गहरी हो गई है, तो उस पर अगर बात हो जाए तो समाधान निकल सकता है। अगर उनसे संवाद हो सकता है, वो स्वयं में जांच सक पाते हैं उनकी इतनी तैयारी है, तो बिल्कुल उनमें परिमार्जन हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो अच्छी बात है, हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जी। अच्छी बात है कि ये भी कि हम लोग मैथ शरीर को लेकर और प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये एक मौलिक बात है, हम लोगों ने जब ये बैच 7 शुरू किया उस समय भी इस डायग्राम को सामने रख के चर्चा की थी, बट जो भी प्रश्न रह गए उनको ले आए, है ना, उनसे हम लोग बात कर सकते हैं। भैया ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस है फिजिकल ऑर्डर बायो ऑर्डर से इवॉल्व होते होते कॉन्शियस स्टेट में कॉन्शियसनेस की, अभी वहां नहीं जाते हैं, अभी रुकिए, अभी अपने को ऑब्जर्व करते हैं। अभी आप अपने आप को शरीर और मैं इस रूप में सहअस्तित्व के रूप में देख पा रहे हैं कि नहीं? जी जी भैया जी, है ना, अभी उसको ऑब्जर्व करें अपने आप में ठीक से, तो बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी, अदरवाइज वो फिर एक विचार में रह जाएगा, अनुमान में रह जाएगा जी। अभी इवोल्यूशन कह रहे हैं ना, तो इवोल्यूशन किसको कह रहे हैं, फिर उस पर अल्टीमेटली बात ये आएगी, क्या कॉन्शियसनेस फ्रॉम मेटेरियल हो सकता है क्या, या कॉन्शियसनेस था है ना, या मेटेरियल ही है, तो अभी यही नहीं पता कि सेल्फ मेटेरियल ही कॉन्शियसनेस है, तो उस पर क्या बात करेंगे। जैसे भैया आपने जी, जैसे भैया आपने बताया अभी, भैया प्रश्न पूछ रहे थे कि ये नॉन साइक्लिक है, अगर कॉन्शियसनेस स्टेट को हमने एक्वायर नोइंग डोमेन से उसको जान लिया तो फिर वो नॉन साइक्लिक है, फिर उसमें रिवर्सल नहीं है। तो वो जो ये वहां से ये प्रश्न हुआ कि जो इनिशियल ऑर्डर्स हैं उससे जो हाईएस्ट ऑर्डर है कॉन्शियसनेस का, तो वहां पे ऐसा क्या घटित हुआ कि नॉन रिवर्सल की स्थिति आ गई? अभी अपने आप में पहले रुकिए रुकिए, अभी अपने आप में हम ऐसी स्थिति के लिए काम करें जो नॉन रिवर्सेबल हो, पहले उसको हम अपने आप में सुनिश्चित करें, तो ये रिवर्स होना भी क्या होता है समझ में आएगा। तो देखिए अभी हमको जो करने काम है कि हम अपने आप में चिंतन बोध अनुभव में जागृत हों, ठीक, फिर हमको समझ में आता है कि अल्टीमेटली क्रिया में विकास किस प्रकार होता है। जब तक हमको अपने आप में कोई विकास नहीं दिखेगा तो प्रकृति में भी क्रिया विकास का स्वरूप क्या वो कैसे स्पष्ट होगा जी, जी। तो एक अनुमान ही रहेगा कि नहीं जी जी जी। भैया जैसे अभी आज सेल्फ और बॉडी का चल रहा था, तो सेल्फ में अगर हमारे अंदर जो विकास हो रहा है जिसे हम डेवलपमेंट कह रहे हैं कॉन्शियसनेस में, तो उसकी कुछ स्टेजेस भी हैं क्या? जैसे मैं एक 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, अब मैं मान लो अपना इवैल्यूएशन करना चाहता हूँ कि मेरी क्या स्टेजेस है, तो ऐसी कोई स्टेजेस है या ये बिकॉज ये क्वालिटेटिव है तो इसमें स्टेजेस नहीं है, मतलब क्वांटिटेटिव चीज है तो स्टेजेस होगी और ये विकास क्वालिटेटिव है तो नहीं होगा, थोड़ा सा भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए स्टेजेस तो है साथ में क्वालिटेटिव भी है, जैसे आपके अंदर चिंतन किसी भाव का चिंतन हुआ क्वालिटेटिव है, स्टेज है क्वांटिटेटिव नहीं है। तो जो भाव की बात है वो तो क्वालिटेटिव है, हमको ये दिख गया कि दूसरा मुझे सुखी ही करना चाहता है, ये क्वांटिटेटिव मामला तो है नहीं, बट हमने एक स्टेज अक्वायर किया वहां पर, एक स्टेज तक हम पहुंच पाए, कम से कम इतना तो दिखा भाव में, हम इतना तो उतर पाए।
तो क्वालिटेटिव है बट इसमें स्टेजेस जी भैया ये तो दिखता है कि हाँ कुछ चेंज है, मतलब जैसे हैबिट है ना कि जैसे क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर अभी कहाँ हूँ मैं, तो आई वॉन्ट टू इवेलुएट कि मैं कहाँ हूँ, मेरा इस डेवलपमेंट में स्टेज मेरी कहाँ है, ये तो दिख रहा है, लेकिन क्या ऐसी कोई स्टेजेस डिफाइन कर रखी है क्या कंटेंट में? देखिए अभी भी आप देखिए उसको है ना, आप अपने आप में देख ही सकते हैं कि आप आशा के स्तर पे ज्यादा जीते हैं या विचार के स्तर पे ज्यादा जीते हैं या भाव के स्तर पे ज्यादा जीते हैं या समझ के स्तर पे ज्यादा जीते हैं जी। तो अगर आप आशा के स्तर पे जी रहे होंगे तो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने की आशा लगी रहेगी, अगर आप विचार के स्तर पे जी रहे होंगे तो आप बहुत ज्यादा विश्लेषण कर रहे होंगे, तर्क का प्रयोग कर रहे होंगे है ना, तुलना करते होंगे वेरियस ऑप्शंस में। अगर आप भाव के स्तर पे जी रहे होंगे तो आपके अंदर कुछ संबंध को देखने का प्रयास चल रहा होगा, कुछ व्यवस्था को देखने का प्रयास चल रहा होगा, भाव के स्तर पर जी रहे होंगे तो है ना, तो आप और मौलिक स्तर पर जीने का प्रयास कर रहे हैं। समझ के आधार पर जी रहे हैं तो आपके अंदर एक आश्वस्ति होगी, निश्चितता होगी, जो बात आपको लग रहा है कि समझ गया उसमें निरंतरता होगी, आप उसको सार्वभौमिक भी देख पा रहे होंगे, तो आपको देखना है कि आप किस स्तर पर जी रहे हैं, फिर समझ में भी चिंतन बोध अनुभव आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं आपको ही देखना है, चिंतन में भी कितने भाव का चिंतन हो पाया, कौन कौन से भाव आप अपने आप में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, उसको भी आप तय कर सकते हैं। भैया ये अभी जो अपना करंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है वो आपने बताया, जेनेटिक्स का कुछ रोल है कि आपके पेरेंट्स या आपका फैमिली वो जिस लेवल पे रहते थे उसी से आपकी शुरुआत होगी और बाद में आप अपने एफर्ट से लाइक जो हम अभी कर रहे हैं उसको आप फॉर एग्जांपल बॉडी लेवल पे रहने वाले लोग का जेनेटिक आपके पास आ गया फिर आप अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से उसको सेल्फ में डेवलप कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है जेनेटिक्स रोल इन सेल्फ डेवलपमेंट? सेल्फ ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग बात कर रहे थे ना इनहेरिटेंस की, अनुसंगीयता की, तो जो पशु पक्षी होते हैं वो वंशानुसंगी होते हैं, उसमें जेनेटिक्स का रोल मेजर होता है। मानव जो है वो शिक्षा संस्कार अनुसंगी है, वो समझ और भाव से चलता है ना, या उसके अभाव में है ना मान्यताओं से चलता है, तो शिक्षा संस्कार अनुसंगी है मानव, तो हमारे अगर आचरण में देखें तो जेनेटिक्स का रोल लिमिटेड है। अभी भी आप देखिए तो हो सकता है कि अब से अभी तक पूर्व में कोई भी आपके फादर से फोर फादर्स में अपने लाइफ को ज्ञान के लिए ना लगाया होगा, हो सकता है ठीक, तो जेनेटिक्स तो वही चला रहा है, बट अचानक कोई व्यक्ति निर्णय लेता है कि मुझे अपना पूरा शरीर यात्रा ज्ञान के लिए समर्पित करना है, तो ये कहां से हो गया? अभी वही व्यक्ति अभी तक सुविधा संग्रह भोग में लगा हुआ था, उसको दिख गया अचानक एक ही वर्कशॉप में कि क्या कर रहा था मैं बेहोशी में, जीने में पहली प्रायोरिटी तो समझ की है, तो पूरा अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया है ना, समझ को प्रायोरिटी बना लिया, उसी के लिए लगा हुआ है। अगर जेनेटिक्स का रोल होता तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। तो जेनेटिक्स का रोल तभी तक है जब तक कि आप शरीर के प्रभाव में जी रहे हैं, जो बहुत लिमिटेड, मतलब जैसा कहें कि रोल उतना प्रायोरिटी पे नहीं है, क्योंकि जो हमारी मान्यताएं बनती हैं सुख को लेकर समृद्धि को लेकर वो मेजर रोल प्ले करती हैं। तो जो व्यक्ति बिल्कुल आशा के स्तर पे जी रहा है, शरीर से मिलने वाली संवेदनाओं सुखी होने में लगा हुआ है ना, या सुविधाओं से सुखी होने में लगा हुआ है, उसी को माना हुआ है सुख, उसी से अनुकूल भाव जुटाने में लगा हुआ है, उसमें ये सब प्रवृत्तियां दिख सकती हैं, जेनेटिक्स का रोल दिख सकता है, अदरवाइज कम, और उसमें कभी परिवर्तन नहीं सकता है, इसलिए प्रभावी तो जेनेटिक्स नहीं है, प्रभावी तो सेल्फ ही है। तो खुद के एफर्ट से हम डेवलप कर सकते हैं जी। वो अंगुली माल की कहानी पढ़ते हैं कि पहले तो बहुत अच्छा शिष्य था, वो आज्ञाकारी था ठीक, फिर उसको कुछ घटना हुई और एकदम क्रूर निशंस हत्यारा बन गया, फिर कुछ घटना हुई फिर वो संत बन गया। तो ये परिवर्तन पशु में नहीं देखने को मिलेगा आपको, मानव में देखने को मिलेगा। तो ये सेल्फ का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा है, जीव जंतुओं में पशु पक्षियों में सेल्फ का जो प्रभाव है वो नहीं है इस तरह से। मतलब ये सेल्फ इवेल्युएशन करने के लिए कि मैं किस स्टेज पर हूँ उसके लिए कुछ मतलब प्रश्नावली ऐसे बन सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, देखिए अभी जो हम लोग शेयरिंग भी करते हैं तो ये तो देखते हैं ना कि हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ या परिमार्जन हुआ, ऐसी कार्य में कितना हुआ, विचार में कितना हुआ, भाव में समझ में कितना हुआ,
ये तो सारा हम इवैल्यूएशन करते हैं अपने आप में, जो अभ्यास एक कर रहे हैं उसमें तो हम सेकेंड स्टेप पे जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि मैं अपने भाव का मूल्यांकन करता हूँ, सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, सेल्फ इवैल्यूएशन ही तो कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, हम लोग सेल्फ और बॉडी को लेकर जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सबको अपने आप में एक बार पूछ लें और देख लें कि हमको क्लैरिटी बन गई है कि नहीं, है ना, क्योंकि इसको आगे जब हम ऑब्जर्व करने जाएंगे तो क्लैरिटी बहुत जरूरी होगी। तो अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए आपको दिखाई देगा कि मेरे और शरीर के बीच कुछ आदान प्रदान हो रहा है, कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने अंदर कुछ विचार कर रहा हूँ और मैं शरीर को निर्देश दे रहा हूँ। शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे सामने अगर स्क्रीन है, आंखों पे कोई चित्र बना, चित्र को मैं पढ़ रहा हूँ। आसपास जो लोग हैं कुछ बातें कर रहे हैं, उसकी आवाज कर रही है कानों में, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरे और शरीर के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। तो एक तो ये दिखाई दे कि मैं और शरीर, ये दो अलग अलग वास्तविकता हैं, जुड़े हुए हैं, इस रूप में जुड़े हुए हैं कि इनके बीच में आदान प्रदान हो सकता है। और इस आदान प्रदान में देखें तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, संकेतों के आधार पर मैं हाथ हिला रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ। मैं बैठ रहा हूँ, शरीर को संकेत दिया है कि नहीं। अगर गले में कुछ आ गया और मैंने उसको कुछ संकेत दिया तभी आवाज आई, तो मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ। और शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ आवश्यकतानुसार। तो आवश्यकतानुसार मैं संकेत देता हूँ, आवश्यकतानुसार मैं पढ़ता हूँ संवेदनाओं को। ये मेरे और शरीर के बीच का आदान प्रदान है। मैं चैतन्य हूँ, शरीर जड़ है। ये बात को हम लोग और ऑब्जर्व करेंगे आगे अभ्यास दो में। अभी हम अभ्यास दो के जो एक तरह से पृष्ठभूमि है उस पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक इश्यूज हमको स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। जी, ये बात स्पष्ट है, या इसमें कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो अभ्यास दो के स्टेप वन में कह रहे हैं कि मैं के द्वारा मैं और शरीर को देखना है। तो मैं चैतन्य हूँ, मैं की क्रियाओं को देखने के आधार पर ये मुझे कैसे पता चलता है कि मैं हूँ? आप हैं, इसका पता आपको कैसे लगता है? या जो शरीर में चल रहा है उसी को आप मान लेते हैं कि मैं हूँ? इसको ऑब्जर्व करिए कि आप हैं, कैसे पता लगता है आपको? शरीर है, कैसे पता लगता है आपको? इसको ऑब्जर्व करें। आज दिन के लिए असाइनमेंट यही है कि मुझे कैसे पता कि शरीर है, मुझे कैसे पता कि मैं हूँ? बिल्कुल ओपन रखिए इसको। जो भी अभी तक सुनने में आया है, पढ़ने में आया है ना, या हम जो कहते रहे हैं, विचार करते रहे हैं, उसको एक तरफ रखकर ऑब्जर्व करिए कि आपको कैसे पता कि आप हैं। आप हैं भी, हाउ डू यू नो? शरीर है या आपको कैसे पता? हाँ भैया, मेरा प्रश्न ये था, अभी आपने बताया कि जो व्यक्ति आशा के स्तर पे होगा तो उसके ये लक्षण होंगे, विचार के स्तर पे होगा, तो एक बार चिंतन और बोध के स्तर पे भी, मतलब मैं फिर से सुनना चाह रही थी उन स्टेजेस को, मैं मिस कर गई, फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ मेरा। जी, तो संक्षेप में देखें तो चिंतन के स्तर पे हम जी रहे हैं, तो भाव स्पष्ट होते हैं, हमको संबंध स्पष्ट होता है, उस पर कोई शंका नहीं उत्पन्न होती हमारे अंदर संबंध को लेकर, है ना। वैसे बोध के स्तर पे जी रहे तो उनको व्यवस्था स्पष्ट होता है, उसको लेकर कोई शंका नहीं होती। और जब आप भाव के स्तर पे हो तो? भाव के स्तर पे हैं तो शंका हो सकती है, क्योंकि भाव मान्यताओं से प्रभावित हो सकता है। तो हो सकता है कि हम किसी के लिए बड़े भाव से कुछ करते हो, है ना, बट कृतज्ञता का भाव नहीं दिखा दूसरे में, रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला जैसा हम सोच रहे थे, तो कल हमारा भाव बदल गया, तो आज हमने बड़े भाव से किसी को बहुत स्पेशल डिश बना खिलाया, बहुत है ना स्नेह से प्यार से खिलाया पिलाया, ठीक, पर जाते समय उसने पैर नहीं छुआ कि नहीं। अब अगली बार जब आएगा तो हमारा भाव बदल चुका है। ऐसा होता नहीं होता? आपने कोई गेस्ट आया, बड़ी आवभगत की, बड़े है ना ध्यान से उनको रखा, ठीक है, बट बात करते समय कोई ऐसी बात कह गए वो जिसमें लगा कि उन्होंने आपका तो है ना अवमूल्यन किया हुआ है, आप अवभगत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और वो आपको भेद कर रहे हैं आपके साथ, तो आपको अपने जैसा नहीं देख पा रहे, अपने को ऊपर रख के चल रहे हैं। तो अब जो आप करने जाएंगे तो आपके अंदर वो फिर भाव बदल जाएगा, शंका हो जाएगी कि देखो है ना व्यक्ति की चाहना भी ठीक है कि नहीं। तो जब हम भाव के स्तर पे जी रहे हैं पर चिंतन नहीं हुआ है,
तो हमारे भाव बदलते रहते हैं, वही कभी संबंध का भाव है, कभी विरोध का, कभी स्नेह का, कभी द्वेष का, प्रतिस्पर्धा का। भैया तो भाव के स्तर पर और विचार के स्तर पर इन दोनों में मतलब मैं अंतर कैसे करें, मतलब हमें कैसे पता चले कि हम विचार पर खड़े हैं या भाव पर खड़े हैं, तो देखिए अगर कैसे ऑब्जर्व करें, अगर भाव बदल जा रहा है तो ज्यादा संभावना क्या विचार के स्तर पे जी रहे हैं। हाँ इतना जरूर है कि विचार में हमको कितना समय लगाना पड़ा वो हम देख लें, जैसे कुछ चीजें हैं हम पहले भाव के स्तर पे शुरू करते हैं करना, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि भाई इतना तो बनता ही है करने के लिए, है ना, किसी व्यक्ति के लिए आए हैं, अतिथि हैं, खिलाना पिलाना ध्यान, तो हम विचार भी नहीं कर रहे हैं, है ना, हम सीधे भाव के स्तर पर निर्वाह करने चले गए। अब जब जो फल परिणाम आया वो अनुकूल नहीं आया तो फिर हम बहुत सारा विचार कर रहे हैं, फिर अगली बार विचार करके हम निर्वाह कर रहे हैं। तो आप ये देख लें कि विचार में कितना समय हमने लगाया, अगर ज्यादा समय लगाया विचार के स्तर पर जी रहे हैं, अगर तत्क्षण निर्णय हो पाया है ना और उस भाव का हम निर्वाह कर पाए तो भाव के स्तर पर जी रहे हैं। ठीक है भैया, जो शरीर और मैं के बीच में संवेदना और सूचना इसका ये जो होता है मतलब, तो मुझे एक प्रश्न ऐसा था कि मतलब ये ऑब्जर्वेशन था कि मैं में जो सजगता है वो अगर हम शरीर में कुछ एक्सरसाइज करें, हलचल करें, तो मैं सजगता बढ़ती है, मतलब जैसे हम उठते हैं सुबह नींद से तो अगर कुछ एक्टिविटी में जुड़ जाए और फिर मॉर्निंग एक्सरसाइज में तो सजगता बढ़ती है मैं, तो ये कैसे होता है, मतलब ये इसका संबंध कैसे है? देखिए तो जो हम सजगता के साथ निर्वाह करते हैं तो शरीर की भागीदारी तो है ही ना। जी 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 जी, तो होता ही है शक्ति बढ़, मतलब संवेदना बढ़ती है और जी, तो कई बार ये होता है कि अगर हमें समझ का अभाव है तो हम जब अपने आप में होते हैं और बैठे सुबह उठ के आप बैठे हैं एक घंटा तो शरीर तो थका हुआ नहीं है, तो शरीर को कम ध्यान देना पड़ रहा है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा विचार चलना शुरू होता है और विचारों में कई बार अंतर विरोध खड़ा हो जाएगा, है ना, आपके अंदर बहुत सारा उथल पुथल ये सब चलने लगता है। अगर समझे हुए हैं तो एक निश्चित योजना कार्यक्रम के साथ विचार चलेगा। जी ठीक, तो जी, अगर पहले वाली स्थिति है तो आप उठ के थोड़ा चल फिर लें, है ना, तो जो शरीर से एक आपका संपर्क बना हुआ है उसमें जो आदान प्रदान हो रहा है वो थोड़ा अनुकूल हो जाता है। जी, तो आपने बहुत सारी चीज पे ध्यान दिया तो आपको उनको देखने का अवसर मिला, आप बाहर निकले, प्रकृति को देखा, अन्य लोगों से मिले, नहीं तो हो सकता था कि आप कमरे में बैठे रहते और किसी एक व्यक्ति के साथ विरोध बन गया है उसी को लेकर सुबह एक घंटा विचार कर लिया हमने, बट जब बाहर निकले है ना तो ठंडी हवा का संपर्क हुआ, सामने हरे पेड़ पौधे दिखाई दिए, लोग टहलते हुए है ना बातें करते हुए हंसते हुए दिखाई दिए, तो आपको जिस तरह का अब आस्वादन हुआ तो उस व्यक्ति की स्मृति आपकी कम हो गई और इन बातों पर ध्यान चला गया तो सजगता बढ़ गई, अदरवाइज उसी विचार में खोए रहते। जी जी, मगर सजगता की गुणवत्ता पे उसका इफेक्ट नहीं है, है ना, मतलब संवेदना से जैसे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है तो मतलब अभी ये मैं नया शब्द ला रहा हूं, मगर जैसे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थोड़ा एनर्जेटिक लगता है, तो ये मतलब संवेदना बढ़ती है क्या शरीर में एक तरह? देखिए जो हम लोग आसन प्राणायाम करते हैं, श्रम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं वो ज्यादा व्यवस्थित ढंग से हो पाती हैं। तो जैसे अगर हम ज्यादातर समय बैठे रहें तो जो सिर में ब्लड जा रहा है कम जा रहा है ना जी, लेटते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ता है, शीर्षासन करते हैं और ज्यादा बढ़ जाता है जी, हम जब सांस लेते हैं तो पूरी सांस नहीं लेते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत गहरे में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो एक एक कोशिका का पोषण ठीक से हो पाता है, उसका प्रभाव मैं पे भी पड़ता है जी, मतलब मैं से जो मैं को जो संवेदना जाती है वो सही होती है, मतलब हम सूचना संवेदना इसके ही दोनों ही चीजों के यूज करके अगर हम देखें तो शरीर में ये जो कोशिकाओं का पोषण हुआ अच्छी तरीके से तो उससे मैं को संवेदना अच्छी तरह से पहुंचती है।
ऐसा हम कह सकते हैं ना भैया। देखिए संवेदना तो वही है, मतलब वही पहुंचती है जो है, ठीक है ना, बट शरीर की क्रियाशीलता बदल गई अब। जी जी ठीक है। तो जैसे आप पाएंगे कि अगर आप सुबह उठकर इस तरह की चीजें ना करें तो शरीर में जो विकार बना हुआ है मल के रूप में, चाहे गैस के रूप में हो, है ना, पदार्थ के रूप में हो, ठीक, वो बना हुआ है, वो फिर उसका जो प्रतिकूल संवेदना है वो जा रही है मेधा से आप तक जा रही है जी। अब वो प्रतिकूलता जब आ रही है सामने से तो प्रभावित होता है मैं उससे जी, एक तरह का विचार चलेगा। आप पहले फिरे, है ना, ये सब वर्ज्य पदार्थ निकल गए, है ना, फ्रेश हुए सुबह, तो दूसरे तरह की संवेदना आएगी, तो उसके आप जब उस संवेदना को आप पढ़ते हैं तो आपके विचार का क्रम बदल जाता है। जी 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 भैया धन्यवाद। भैया भैया मैं ये पूछ रहा था, जैसे जब आप भाव और विचार के बारे में बता रहे थे, जो हम बार बार प्रभावित होते हैं मान्यता से या बाहर के कंडीशनिंग से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो हमारा भाव बिगड़ता है और हम तर्कपूर्ण बार बार उसको बिठाते हैं कि नहीं ये बड़े हैं या फिर इन्होंने हमारा पोषण किया है, इनके साथ कृतज्ञता से पेश आना है या ऐसे, तो वो जो तर्कपूर्णता होती है वो भी मतलब विचार के लेवल पे होती है। और जैसे आपने कहा कि कुछ समय लग सकता है उसको आने में और कितना समय लगता है उस पर अपना भाव ठीक होता है, तो क्या उसको मैं ठीक देख रहा हूँ, वो तर्क विचार के लेवल पे ही होता है? हाँ, तर्क तो विचार के लेवल पे ही हो रहा है, और अभी हमको बहुत सारा विचार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भाव के स्तर पे जीना नहीं हो पा रहा, चिंतन क्रिया जागृत नहीं हुई है, इसलिए बहुत सारा काम विचारों से करना पड़ता है। अगर ये जागृति होने लगे तो फिर इतना ज्यादा विचार नहीं करना पड़ेगा, हम अपने आप में सेटल्ड रहते हैं, भाव के स्तर पे सेटल्ड होते हैं तो विचार भी सेटल्ड रहते हैं। ठीक है, हाँ वही कभी कभी जैसे कॉमनली लेमैन भाषा में हम लोग ऐसे ही प्रयोग करते हैं, वो तो दिल से चलता है, दिल से चलता है, माने जिस तरह वो डिस्कशन अभी हुई थी, हालांकि दिल दिमाग वाली बात उचित नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में रखना, बट लेमैन में हम कभी कभी देखते हैं कि कोई आदमी बहुत भाव प्रधान है, मतलब उसको ऐसे ही बोल देते हैं, वो तो अपने दिल की करता है, हालांकि वो भी कंडीशनिंग से ही चलता होगा, लेकिन समझ वाला जो पार्ट है वो मतलब मुझे लगता है कि डेफिनेटली अभी मतलब उसपे काम करना बाकी है ना, है ना, यहाँ रुक जाते हैं हम लोग। आज असाइनमेंट ग्रुप में ये है, इसको ऑब्जर्व करेंगे, मुझे सामने स्लाइड पे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।